पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर टाइप सी केबल ऑक्सिन केबल यूजर मैनुअल कैटलॉग्स वारंटी कार्ड और साथ ही में शोल्डर स्ट्रैप देखने मिल जाता है। प्राइस के बारे में बात करें तो इधर आपको प्राइस अराउंड ऑफ 7000 का दिया हुआ है, बट इसकी जो प्राइस है वो ओरिजिनल नहीं है। इसकी जो भी ओरिजिनल प्राइस है वो आपको वीडियो के आगे देखने मिल जाएगा। सो गाइस इसका जो कलर है आपको इधर देखने मिलता रहेगा, आपको मरून कलर देखने मिल जाता है और ये साइड पे हमें मिल जाता है बोट का लोगो। सो गाइस चलते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमें इसके अंदर से क्या क्या चीज मिल जाता है। सो गाइस फाइनली तुम्हारे भाई ने अनबॉक्स कर लिया, जैसे कि आपको ये साइड पे देखने मिलता होगा। सो स्पीकर के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें इसके अंदर से क्या क्या चीज मिल जाता है। तो इसमें से गाइस हमें मिल जाता है टाइप सी चार्जर और ये साइड पे हमें मिल जाता है ऑक्स केबल, मैनुअल इंस्ट्रक्शन मिल जाता है और ये साइड पे हमें मिल जाता है कैटलॉग्स और ये साइड पे हमें मिल जाता है एक साल की वारंटी कार्ड। शोल्डर स्ट्रैप जैसे कि आपको ये साइड पे देखने मिलता होगा। सो इस ओवर द साइड में और ये आ जाता है हमारा स्पीकर, जैसे कि आपको ये साइड पे देखने मिलता होगा। काफी ज्यादा इसकी वजन आपको मिल जाती है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी गाइस काफी अच्छी खासी आपको बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। एक क्लास डिजाइन दी हुई है, जैसे कि आपको ये साइड पे जो इसकी डिजाइन देखने मिलती होगी वो 110% गाइस आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, क्योंकि इसकी बहुत ही अच्छी खासी इसकी डिजाइन मिल जाती है। साथ ही में गाइस ये साइड पे आपको बूफर देखने मिलता होगा, ये दोनों साइड पे गाइस हमें बूफर दिया हुआ है प्लस बोट के लोगों के साथ। साथ ही में गाइस अगर इसकी फंक्शंस के बारे में बात करें तो इधर आपको इसका ऑन ऑफ का बटन देखने मिल जाता है। आप जैसे इसको सिंपल सा प्रेस करते हो और ये हो जाता है ऑन, जैसे कि इधर आपको इसका रिंग लाइट देखने मिल जाता है। और साथ ही में गाइस इधर भी हमें काफी ज्यादा फंक्शंस देखने मिल जाता है। इसमें से आपको जो पहला वाला फंक्शन है आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपका दो स्पीकर है तो आप सिंपल सा दोनों को कनेक्ट करके म्यूजिक प्ले कर सकते हो। और उसके बाद में गाइस आपको माइक मिल जाता है और इस साइड पे आपको म्यूजिक ऑन ऑफ का बटन देखने मिल जाता है और इधर आपको मिल जाते हैं एफएम रेडियो। आप अगर इसको सिंगल प्रेस करते हो तो ये हो जाता है ऑन, जैसे कि आपको इस साइड पे देखने मिलता होगा। सो मैं करता हूं इसको ऑन और जैसे ही आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हो यहाँ की जो आरजीबी लाइट है गाइस वो हो जाते हैं बंद। तो आप चाहे तो आरजीबी लाइट के भी यूज कर सकते हो, बिना आरजीबी लाइट के भी आप इसको सिंपल सा यूज कर सकते हो। साथ ही में गाइस इधर भी आपको दो फंक्शन देखने मिलता होगा, इसमें आपको प्लस माइनस का फंक्शन दिया हुआ है। अगर आप इसको सिंगल प्रेस करते हो तो आप वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो, अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हो तो आगे पीछे जो भी आप म्यूजिक सुन रहे हो वो उसको कर सकते हो। साथ ही में गाइस इसके नीचे आपको बैटरी इंडिकेटर देखने मिलता होगा और ये साइड पे हमें मिल जाता है यूएसबी ऑक्स, आपको सिंपल सा करना है इसको ऑन। और ये साइड पे हमें मिल जाता है टाइप सी चार्जर का स्लॉट, यूएसबी का स्लॉट और इधर हमें ऑक्स का स्लॉट देखने मिल जाता है। बाकी अगर इसकी ब्लूटूथ के बारे में बात करें तो आपको वर्जन 5.0 मिल जाता है और साथ ही में इसकी जो नेट वेट है वो गाइस आपको 1.8 केजी का इसका वजन देखने मिल जाता है। काफी ज्यादा इसका वजन है, आप
इस तरीके से तो इसको किधर भी कैरी करके नहीं लेके जा सकते हो। इसके लिए इसके साथ आपको स्ट्रेप मिल जाता है। और गाइस अगर इसकी वर्किंग रेंज के बारे में बात करें तो आपको 12 मीटर का मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी खासी आपको मिल जाती है। और साथ ही में गाइस इसके अंदर आपको वाटर रेजिस्टेंस IPX7 मिल जाता है। अगर ये स्पीकर में थोड़ा सा भी शावर या फिर हल्का सा भी फ्लैश गिरता है तो ये उससे खराब होने वाला नहीं है। और गाइस साथ ही में आपको आउटपुट प्लस पावर जो कि 14 वाट का आपको देखने मिल जाता है। अगर इसके चार्जिंग टाइम के बारे में बात करें तो आपको इसकी चार्जिंग टाइम 4 आवर्स की मिल जाती है। और गाइस अगर इसकी म्यूजिक प्लेबैक टाइम के बारे में बात करें तो अगर आप इसको RGB लाइट के साथ यूज करते हो तो आपको 7 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है। अगर आप विदाउट RGB लाइट के इसको यूज करते हो तो आपको 9 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक टाइम देखने मिल जाता है। और साथ ही में अगर इसकी बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो गाइस आपको 3600 mAh की बैटरी दी हुई है। सो गाइस ये सब हुआ था साइड में, अब इसको प्ले करते हैं, इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, इसकी बेस क्वालिटी कैसी है, ये वाला स्पीकर आप लोगों के लिए सही कि नहीं। सो चलते हैं फटाफट से इसको कनेक्ट करते हैं। सो गाइस फाइनली तो हमारे भाई ने कनेक्ट कर लिया, जैसे कि इस साइड पे आपको देखने मिलता होगा। सो चलते एक प्यारा सा NCS का सॉन्ग प्ले करते हैं और देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी कैसी है। ये साइड पे आपको NCS के सॉन्ग देखने मिलते होंगे, सो इसमें से बजाते एक प्यारा सा। जैसे कि आपने सुना इसकी साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी दोनों भी एकदम से अपर लेवल का आपको मिल जाता है। बाकी तो गाइस मैं आपको यही कहूंगा, अगर आप बेस लवर हो तो ये वाला स्पीकर आप लोगों के लिए, आप लोग सिंपल से ये वाला स्पीकर बाय कर सकते हो। सभी में गाइस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसकी प्राइस, जो कि मैं अभी तक आप लोगों को बताया नहीं, तो चलते इसके फटाफट से इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस इसकी जो प्राइस है वो आपको नॉर्मली 3500 रुपीज में मिल जाता है Amazon से, जो कि आपको ये साइड पे इसका प्राइस देखने मिलता होगा। अगर गाइस आपको भी ये वाला स्पीकर खरीदना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपको ये वाला स्पीकर खरीदना है तो प्लीज आप इसको फेस्टिवल या फिर सेल वगैरह में आप इसको बाय कर सकते हो। इसकी जो प्राइस है गाइस 2500 में भी मिल जाता है और या फिर आपको 2000 में भी है प्राइस स्पीकर देखने मिल जाएगा। सो गाइस मेरा तो लॉस हो गया, मैंने इसको 3500 में लिया था, बट आप लोग क्या कर इसको फेस्टिवल में बाय कर सकते हो। सो गाइस अगर इसकी रिव्यू के बारे में बात करें तो ये वाला स्पीकर बहुत ही अच्छी खासी क्लासिक आपको मिल जाता है। साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छी खासी इसके अंदर फीचर्स आपको मिल जाता है। सो आप लोग इसको बाय कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सिंपल से क्लिक करो और बाय करो। सो गाइस वीडियो करते हैं स्टॉप, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल ऑप्शन गाइस ऑन कर देना, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसे ढेर सारे कूल गैजेट्स और इस प्रोडक्ट के साथ आता रहता है। तब तक के लिए बाय।